हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स एक्सरसाइज है हमारी 7.1। ओके, हमने आपको इसके थ्योरम्स वगैरह समझा दिए थे, अब इसकी आपको एक्सरसाइज करनी है। 7.1 कैसे सॉल्व करेंगे समझ लो। हमें इसमें प्रूव करना है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ये उसमें आपको दे रखा है AC = AD, यानी AC और AD ये इक्वल है आपस में। एंड AB बाइसेक्ट एंगल A, और जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट करी, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ABD, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, BC और BD? तो वो तो हमें पता चलेगा जब हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे तब। तो सॉल्यूशन, अब हम यहाँ पर लिखना है इन ट्राइंगल ABC, या प्रूफ लिख लो यहाँ, प्रूफ है ना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो प्रूफ लिख लो। तो ABC एंड ट्राइंगल ABD, ओके, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखेंगे हमें क्या पता है। हमें AC पता है किसके, AD के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे AC इक्वल AD, ये क्या है, गिवन है, हमें गिवन है। और एंगल हमारा एक ये ABC, मतलब ये वाली लाइन, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो ABC के अंदर आपका एंगल है CAB लिख लो, या BAC, तो एंगल BAC इक्वल है एंगल किसके, BAC इक्वल एंगल BAD है ना, BAC ये तो हो गया इसका, ABC का देख लो, BAC इक्वल BAD, ये ABD के अंदर है ना, ABD के अंदर है। अब एक साइड है हमारे पास AB इक्वल्स टू ABD है ना, तो ABD ये हमें प्रूव करना है, तो इक्वल्स टू AB, ABC और ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था, तो हमने कर लिया AB इक्वल्स टू AB। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन है। और यहाँ पर रीजन लिख दो AB बाइसेक्ट एंगल A, AB बाइसेक्ट कर चुकी है, मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर चुकी है। तो आपकी साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल आपका ABC इज कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के, ओके, क्यों, बाय साइड एंगल साइड रूल से, हमने रूल बताया था ना आपको उसी रूल से। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसके बाद में हमें, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में, तो ये वाली साइड ABC के अंदर, तो BC इक्वल होगा किसके, BD के, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना, बाय CPCT ये यहाँ पे लिख देंगे, और हैंस प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी टाइप से आपको आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन हमारा सेकेंड, ABCD का क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको दे रखा है AD इक्वल टू BC गिवन है, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ए DAB कौन सा है, DAB ये वाला एंगल BAC के CBA के इक्वल है, CBA इसके इक्वल है ना BAD ये। अब हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल, जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है वही ले लेंगे ABD एंड ट्राइंगल BAC, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। इसमें हमें क्या क्या लेना है, ABD के अंदर तो AB इक्वल होगा BAC तो इसके अंदर BA लेंगे, AB नहीं लेंगे, BA लेंगे, क्यों, BAC है यहाँ पर। तो ये दोनों क्या है, कॉमन है,
कॉमन आ रही है, ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन है। उसके बाद में आपका दूसरा दे रखा है हमें ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी ये गिवेन है हमें पहले से, ओके। एंड ये दे रखा है, ये दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो आपके ए बी डी ट्राइंगल के अंदर, ए बी डी ट्राइंगल के अंदर ये एंगल आ जाएगा बी ए डी, एंगल बी ए डी, इसको बीच में लिख लो, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल किसके, बी ए डी हो गया, ए बी सी के, ए बी सी के ये भी क्या था, ये गिवन है हमें, ये भी दे रखा है। अगर तीनों चीज़ हमें पता लग गई तो आपका ट्राइंगल ए बी डी विल बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी बाय है ना साइड एंगल साइड रूल से, ओके। ये आपका कॉन्ग्रेंट हो गया। इसके बाद सेकंड सेकंड पार्ट आपका बी डी इक्वल ए सी, बी डी इक्वल ए सी, तो बी डी इक्वल ए सी, तो ये किसके पार्ट हैं, बी डी किसका है, ए बी डी है ना, यहाँ पर लिख दो बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से, क्योंकि आपका ट्राइंगल बी ए डी, बी ए डी इज कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी है ना, ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी ए सी के, बी ए सी के, ये हो गया फर्स्ट सेकेंड पार्ट हो गया। इसी टाइप से थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट भी सेम वैसे ही होगा, एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, ए बी डी कौन सा, ए बी डी ये वाला ट्राइंगल हम ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूफ को चेक कर चुके हैं, तो यहाँ बाई सी पी सी टी लिख लो, सी पी सी टी से सारे के सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर वन टू ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नंबर है हमारा ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए वी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए वी, जो आपकी सी डी है वो ए वी को बाइसेक्ट कर रही है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल आप दोनों ट्राइंगल ले लो, कौन कौन से ले लो, एक तो ले लो हम, एक ले लेते हैं बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल टू ए ओ डी, ओके ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसमें आपका क्या क्या इक्वल है, एक तो आपका एंगल बी ओ सी के अंदर एंगल सी ओ बी या ओ बी सी, ओ बी सी इक्वल एंगल कौन सा, ये वाला ओ ए डी, ओ ए डी ये गिवेन है, परपेंडिकुलर है ना, गिवेन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हमारे पास है साइड बी सी इक्वल टू ए डी, बी सी इक्वल टू ए डी ये गिवेन है, ये भी गिवेन है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास ये एंगल, इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई लाइन अगर इस टाइप से इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल वर्टिकली अपवर्ड एंगल होते हैं और ये इक्वल होंगे, इसी टाइप से ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आप ले लो एंगल ओ बी सी के, इसके अंदर हो जाएगा बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल ए ओ डी, ए ओ डी, तो आपका ट्राइंगल बी ओ सी, बी ओ सी इस कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ डी के बाय एंगल साइड एंगल रूल से। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो आपकी जो साइड है ये वाली साइड, हमसे बोला था ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, तो आपका बी ओ इक्वल होगा ओ ए के, ए ओ के, ए ओ के बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं यानी बी ओ और ओ ए इक्वल हैं, इसका मतलब सी डी बाइसेक्ट कर रही है बी ए बी को, देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट
बाइसेक्ट ए बी, मतलब इक्वल टू पार्सन डिवाइड करना, ये लाइन इक्वल टू पार्सन डिवाइड करी इस लाइन को, तो बी ओ इक्वल टू ओ ए हो गया, हेंस प्रूफ। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फोर्थ नंबर। इसमें आपको दे रखा है एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन, एल और एम पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पैरेलल लाइन पी एंड क्यू। ये पी एंड क्यू दूसरी पैरेलल लाइन है, ये भी इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को। ओके, तो सो दैट ए बी सी कॉन्ग्रेंट है सी डी ए, ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट है सी डी ए, सी डी ए इसके कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना है। तो आप ले लो इसका प्रूफ यहाँ पर लिख के, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे हम ए बी सी के अंदर और सी डी ए के अंदर, सी डी ए के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो आपका एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल है एंगल किसके, ए सी डी, ए सी डी। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये आपका कौन सा अल्टरनेट एंगल बन जाएगा, मैं लिखो बिकॉज एल एंड एम, एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, एल और एम पैरेलल लाइन है और ये आपके इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाली लाइन, ये ए सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये हो गया, ये अल्टरनेट एंगल बन गया। दूसरा हमारे पास, अब क्या करेंगे, साइड एक ले लो ए सी, ए सी इक्वल टू ए सी है ना, सी ए लिख लो, सी ए, सी ए क्योंकि यहाँ सी डी है तो सी ए, यहाँ पे ए सी, ये क्या है, ये कॉमन है दोनों के लिए, कॉमन है ये दोनों के लिए, कॉमन काम कर रही है, इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल दोनों के लिए कॉमन काम कर रही है, कॉमन है इसलिए। अब आपका एंगल, एंगल आप ले लो, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि आप चलो क्योंकि तो बाद में देखेंगे, पहले ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल सी ए डी, सी ए डी। अब लिख लो बिकॉज, अब आते हैं बिकॉज, इसमें एल और एम पैरेलल लाइन थी, इसमें कौन सी लाइन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर पैरेलल लाइन, आर पैरेलल लाइन एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये आपके अल्टरनेट एंगल भी होते हैं। ओके, ये भी अल्टरनेट एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल, तो अल्टरनेट एंगल आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपके पास एंगल, साइड एंगल, ये क्राइटेरिया हो गया। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए बाय एंगल साइड एंगल रूल्स है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको ये प्रूफ कर लेने हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसके सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितने आपसे हो जाएंगे उतने इस एक्सरसाइज के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।